आपको एक और चीज समझाता हूं, जो मेन अगर बाद में आप उसको मजीद उस पर काम करें, लेकिन जो क्रक्स से वो बता देता हूं। पुराने फंडिंग वर्सेस प्राइवेट सोर्सिंग, आप लोग कमेंट करें आप इन इन चीजों के बारे में क्या मतलब, थोड़ा सिंपल चीज है लेकिन आपको तो बताएं क्या आपको मिलेगा इससे, मतलब दोनों में थोड़ा फर्क बताएं या थोड़ा डिफाइन। वैसे मेरा पूरा कोर्स यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहां से आप प्रॉपरली उसको देख सकते हैं, उर्दू में भी है, पश्तो में भी है, डिटेल में मैंने समझाया है। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर जब प्रोडक्ट हंटिंग पे आप काम करते हैं, प्रोडक्ट को रिसर्च करते हो, तो आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा सेल होता है, बस कितना प्रोडक्ट अच्छा सेल होता है, ये पता आपको नहीं चलता है कि इसमें आपको फायदा है कि नहीं। यहां प्रोडक्ट हंटिंग में आप ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि मेरे लिए प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट उसको सोर्स करते हो। अगर मैं इसको थोड़ा और समझाऊं, प्रोडक्ट हंटिंग में आपको क्या मिलता है, आपको प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपको मिलता है, उसका भी हिसाब का अंदाजा आपको लगता है, किसका भी हिसाब क्या है, इसका रेट मतलब कितना जल्दी ये सेल होता है, उसका भी हिसाब अच्छा है या बुरा है, मतलब ये आपको मिलता है। तो इसमें आप ये नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि यस द प्रोडक्ट इज राइट गुड फॉर मी और आई शुड गो फॉर दिस वन टू रीसेल, ठीक है, इसमें आपको ये पता नहीं चलता है। आपने फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी पड़ती है, परचेजिंग कॉस्ट मालूम करना है, शिपिंग कॉस्ट मालूम करना है, अमेजोन का फीस मालूम करना है, एक दो दिन और खर्चा डाले, फिर आप कैलकुलेशन करते हो दोनों को मिला के कंपेयर करके उसमें मुझे मार्जिन है कि नहीं। सो द प्रोडक्ट सोर्सिंग इन इस स्टेप के अंदर यू आर इन द पोजीशन टू डिसाइड दैट यस दिस इज द राइट प्रोडक्ट फॉर मी, सही है। दोनों में ये थोड़ा सा समझने, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया अभी।